स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत जल्द झारखंड के पठारों पर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, वर्षों पुराना सपना होगा सच। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। झारखंड के पठारों इलाके में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का सपना सच होगा। जल्द ही ये हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेगी। 2023-24 के आम बजट में राज्य में रेल कार्यों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार व इसके कॉरिडोर पर फोकस किया गया है। पूरे झारखंड में चलेगी 36 रेल परियोजनाएं। रेलवे अधिकारियों का भी कहना है कि बजटीय राशि से ये ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना का रास्ता साफ हो गया है। नई लाइन बिछाने, डबलिंग कार्य करने, गेज रूपांतरण को लेकर पूरे झारखंड में 36 रेल परियोजनाएं चलेगी। ये योजनाएं रांची, धनबाद, चक्रधरपुर रेल मंडल में चलेगी। इसके तहत 2906 किलोमीटर रेल लाइन का काम होगा। बजट में इसके लिए 43,957 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे इन परियोजनाओं को विस्तार व गति मिलेगी। 2 साल के अंदर योजनाएं पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद इन पटरियों पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रेनों को चलाना आसान हो जाएगा। इन रेल लाइनों पर 370 रेल ओवरब्रिज व अंडरब्रिज हो गए। झारखंड के 19 रेल रूटों पर होगा दोहरीकरण। पूरे झारखंड के 19 रेल रूटों पर दोहरीकरण कार्य का विस्तार किया जाएगा, जबकि 13 नई लाइन बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। दोहरीकरण कार्य के तहत विभिन्न रेल लाइनों पर बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। रेल लाइन बजट राशि की बात करें तो धनबाद सोनगर के 450, रमना सिंगरौली 412.8, बंडमुंडा रांची के 309, खड़गपुर आदित्यपुर के लिए 300, गोमा फ्लाईओवर के लिए 125, गढ़वा आरओआर के लिए 90, लोधमा पिस्का के लिए 60, भोजडी तलगोरिया के लिए 60, तलगोरिया बोकारो के लिए 52, चंडील अनारा बंडपुर के लिए 15। रेल लाइन बजट राशि की बात करें तो मधुपुर बाईपास के लिए 15, रांची रोड रातू के लिए 10, मनोहरपुर बोनडमाड़ा के लिए 8, सोन बाणगंज पीरपोधी के लिए 6, गढ़वा रोड रमना के लिए 4, चक्रधारपुर गोयल केरा के लिए 3, दनाइना रांची रोड के लिए 1, राजखर सावा चक्रधरपुर के लिए 1, झरडी पिच के लिए 1, राशि करोड़ रुपए में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या है हाई स्पीड ट्रेन। दरअसल अब कोई ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है तो उसे हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। ये परंपरागत ट्रेन की तुलना में बहुत तेज़ी से ऑपरेट करती है और इसके लिए अलग तरह के ट्रैक की जरूरत होती है जो रफ्तार की तेज करने में सहायक होती है। सेमी हाई स्पीड की शुरुआत। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। झारखंड में इसी ट्रेन से हाई स्पीड की शुरुआत हो सकती है, इसलिए कई रूटों पर स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे करने की योजना है। धीरे धीरे स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तक बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की ये जानकारी ही समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू गाइस।